साहब पीछे से फ्री हो चुके हैं, आगे चेयर्स पे आगे अपना विराजमान हो जाए। हमारे बीच ब्रह्म ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे चाचा जी भी और ताया जी भी, मेरे फादर साहब डॉक्टर आज की नाज कोटा। मेरा नाम किरण है। आज जो शिवरात्रि का त्यौहार है, कितनी जगह मनाया जाता है? हर साल इस तरह की मनाना बड़ी धूमधाम से सारे देश के परिवार वालों मनाया जाता है। कितना के प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है। लोगों को फील करना चाहोगे? हमेशा आएगा कि हर फंक्शन हर त्यौहार मनाते रहे और सबसे सहयोग ना मनाया भी जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गरीब परिवार वालों पूरा तह दिल के नाल तह मन के नाल तह धन के नाल बहुत चंगे ढंग नाल कार्यक्रम चल रहा है। सारे पंक्तिगण आ गए, शिवजी महाराज का भजन सुन रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी बहुत शुक्रगुजार है सारे दर्शकों का, खास करके साढ़े सीनियर रिलेशन का जो साढ़े बच्चों को इन्ना सहयोग देते हैं तो सानू अगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। सानू पूरी उम्मीद है जो शिवरात्रि का प्रोग्राम के केड़ी जगह पे हो रहा है? ड्रीम सिटी मानावाला है अमृतसर। कितना प्रोग्राम है? मैं तो इतने 6 साल तो आ रहा, 6वां प्रोग्राम देख रहे हैं और 6वां साल सब तो प्रोग्राम चल रही प्रभु का मेला है, प्रभु का अज ब्याह है। कुछ लोगों को संदेश देना चाहोगे? संदेश है कि बस मिलजुल के रहन, एक दूसरे का ख्याल रखन। त्योहार जो है, महोत्सव है, एक दूसरे मिलन का एक जरिया बनाया प्रभु ने, उस करना आप सारे इकट्ठे हुए। सिर्फ भारतवर्ष नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाना चाहिए। तुम अज अमृतसर के एक ही गली, एक शहर, एक एक कोने कोने देखो सारे लंगर लगे मंदिर सजे हुए। ਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ 2000 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਨੀਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਯੂਨਿਟ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।